ये कार 1,33,000 चली हुई है भाई, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं लगता, इतनी साफ कंडीशन में अभी भी पड़ी है। और इन बटन की क्वालिटी भी आज भी बिल्कुल अच्छी है और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं सारे के सारे बटन। ये आपको आज की ऑल्टो अच्छी लगती है या आपको जो है ना ये वाली मॉडल था ऑल्टो का, ये वाली शेप थी, ये अच्छी लगती है? तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ सबकी फेवरेट और अपने टाइम की ना एक लेजेंडर कार, छोटी सी लेजेंडर कार, और जिसका नाम है ऑल्टो। सबको पता ही होगा, नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे सबकी फेवरेट रही होगी ये कार। मुझे पता है कितने लोग अभी देख रहे होंगे ये वीडियो, उनमें से काफ़ी जनों ने तो इस कार पे ना अपनी फर्स्ट ड्राइव भी की होगी। तो भाई कई लोगों ने तो इस कार पे है ना अपनी ड्राइविंग सीखनी भी इसी कार पे स्टार्ट की होगी। सबकी फैमिलीज की ये पहले यही होती थी ना फर्स्ट प्रेफरेंस कि हमने यही कार लेनी है, अगर हमने कोई कार बाय भी करनी है अपनी फैमिली के लिए फर्स्ट टाइम। तो चलो आज मैं आपको पुराने दिन सारे याद करवा देता हूँ और इसकी पूरा रिव्यू आज आपको मैं शेयर करूँगा इस कार के बारे में कि इस कार में क्या क्या था। ऑल्टो तो टाइम के साथ साथ है ना कंपनी ने काफ़ी बार अपडेट कर दी है, लेकिन जो ये फर्स्ट ऑल्टो थी है ना जो भी मेरे सामने खड़ी है, जो इस ऑल्टो का पूरा डिज़ाइन था, पूरी लुक थी, ये आज भी काफ़ी लोगों की फेवरेट है। तो भाई आज भी इस कार को लेना लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कार की लुक्स आज भी वैसे ही मेंटेन हो रखी है और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ, पूरा इस कार का वॉक अराउंड दे देता हूँ चारों तरफ से और अंदर से बाहर से सब दिखाता हूँ कि इस कार में क्या क्या होता था और कैसे थी दिखने में। तो फ्रंट ग्रिल अभी आप देख ही सकते हो, ये है इसकी फ्रंट ग्रिल, तो काफ़ी ज़्यादा है ना देखने में अट्रैक्टिव होती थी ये, और आज भी वैसे की वैसे ही लग रही है। क्योंकि अगर अभी भी आप इस कार को कहीं खड़ी देख लोगे ना, और इसके साथ की जो और भी हैचबैक कारें हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आपको यही अच्छी लगेगी देखने में। और कई लोगों ने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई भी करवा के रखा होता था, जैसे कि इसकी ये हेडलाइट्स होगी और यहाँ पर इस जगह पर कई लोगों ने फॉग लैंप्स भी लगवाए हुए हैं, तो ये है कुछ ऐसे देखने में। चलो अभी इसकी मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसे दिखती है भाई ये साइड से। और अभी जिस भाई की कार है उन्होंने इस पर अलॉय व्हील्स भी इंस्टॉल करवाए हुए हैं आफ्टर मार्केट, और देखो भाई साइड, इसका साइड व्यू। अभी आपको लेके चलते हैं इसकी बैक साइड पे। जिन जिन लोगों को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पक्का बताना, जिन्होंने इस कार में सीखा होगा कभी ना कभी है ना ड्राइव की होगी, और कई लोगों ने तो आज भी इस कार को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पक्का बताना। तो ये आगे इसकी साइड प्रोफाइल, तो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई आजकल की जो हैचबैक्स कारें आ रही हैं, तो उसको भी आज भी ये प्रॉपर टक्कर दे रही है। आज भी इसकी लुक्स है ना वैसे की वैसी ही है, और ये लुक्स बिल्कुल पुरानी नहीं लग रही, अभी भी ऐसे लगता है कि है ना ये लुक आज के ज़माने में भी स्टैंड कर रही है। तो चलो ये तो मैंने अभी आपको दिखा दिया बाहर से इसकी लुक, अभी मैं इसके आपको टायर प्रोफाइल के तरफ लेके चलता हूँ। तो ऐसा है अभी कुछ देखने में इसका टायर, और अभी भाई ने इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवा के रखे हुए हैं, और इसके भी हम टायर का साइज पता कर लेते हैं, 155/65R13। तो 13 इंचज़ के भाई ये इसमें टायर लगे हुए हैं, और यही शायद पीछे से कंपनी से भी यही लग के आते थे, अभी तो अपोलो कंपनी के लगे हुए हैं लेकिन इसमें 13 इंचज़ के ही टायर लग के आते थे। तो कुछ ऐसे है, तो ये इसके साइड इंडिकेटर्स, और ये भी शायद आफ्टर मार्केट अभी इंस्टॉल करवाया होगा, लेकिन ये पहले बॉडी कलर में ही आता था पूरा ब्लैक। यहाँ से इसका फ्यूल भरा जाता था, अभी भी भरा जाता है। और ये इसकी मारुति सुजुकी की बैजिंग, और ये रहा हमारा रियर का बम्पर, और यहाँ पे ऑल्टो की बैजिंग होती थी जो कि अभी उतर चुकी है। और ये कार है ऑल्टो LXi, लेकिन अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ भाई। तो चलो भाई अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इंटीरियर, और कुछ ऐसा भाई देखने में इंटीरियर, सीट थोड़ी पीछे कर लेते हैं, और तरीके का है भाई कुछ ऑल्टो का इंटीरियर। और जो ऑल्टो को लाइक करते हैं और जिनको है ना पसंद है ऑल्टो, तो उनको पता ही होगा भाई वो इसके डैशबोर्ड को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये रहा इसका ग्लो बॉक्स, इसमें अच्छी खासी जगह है, आप है ना अपने आराम से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी रख सकते हो, और ये जगह भी बहुत ज़्यादा काम आती है, वाली प्लेस है, यहाँ पे कुछ भी आप प्लेस कर सकते हो। आजकल की कारों में ये चीज़ें है ना कम आती हैं, ऐसी जो सामने रखने वाला है ना स्पेस होती है, तो ये नहीं मिलती देखने में आजकल की कारों में। और ये था हमारा पूरा AC वेंट्स हो गए, और यहाँ पे पूरे कंट्रोल हो गए AC के, ये देखो। और इन बटन की क्वालिटी भी आज भी बिल्कुल अच्छी है और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं सारे के सारे बटन यहाँ पे। ये AC का ऑन ऑफ हो गया सिस्टम, और नीचे भाई ने अभी पाइनर का लगवा रखा है सिस्टम, हो गया ये पाइनर का म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ भाई ने। और इसके नीचे एश ट्रे,
एस्ट्रे के साथ ही हमारा चार्जिंग सॉकेट हो गया। ये 12B का चार्जर आता है, इसमें आता नहीं है, मतलब प्लेस दी होती है और भाई ने एक्सटर्नली इसको लगवा रखा है आफ्टर मार्केट। और उसके नीचे हमारा ये थोड़ा स्पेस और आ गई और एक कप होल्डर आ गए। 5 गियर ट्रांसमिशन में ये कार आती है और 6th हो गया हमारा रिवर्स गियर। तो कुछ ऐसा है इसकी नोब और ये रहा हमारा इसका स्टेयरिंग और ये इसका हॉर्न। तो कुछ ऐसे ही है भाई। और सामने अभी इसका मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ ऑन करके, ये कार चली कितना हुई है। तो ये रही इसकी की, ये देखो भाई। चलो स्टार्ट करके, तो भाई 1,33,000 किलोमीटर ये कार चली हुई है। अब मैंने आपको ऑन करके दिखा दी है, तो यही है। लेकिन आप खुद ही देख सकते हो इस कार की क्वालिटी और इस कार की मेंटेनेंस अच्छी करी हुई है भाई ने। और इतनी कार चली हुई है लेकिन फिर भी इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा हुआ, प्रॉपर आज भी है ना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये है भाई इसका इंटीरियर। और एक चीज़ इसकी और दिखा देता हूँ, जो है इसके ये हमारे मिरर्स हो गए, ये थे फोल्डेबल। तो आज की कारों में तो भाई ऑटोमेटिक आ गए हैं, लेकिन इसमें भी जो इसकी ऑल्टो K10 आई थी उसमें ऑटोमेटिक आए थे फ्रंट वाले, लेकिन ये ऑल्टो LX आई है, 2007 मॉडल है, तो इसमें भाई मैनुअली आते थे। ये देखो मैनुअली अब चलाओ, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना भाई, ये चीज़ आज भी मैनुअली प्रॉपर वर्क कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो है भाई, मानना पड़ेगा कि ये ऑल्टो मारुति सुजुकी की तो ऑल्टो कार थी पुरानी, ये बहुत ही सही बनाते थे ना, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी आज की कारों के मुकाबले। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की ऑल्टो अच्छी लगती है या आपको जो है ना ये वाली मॉडल था ऑल्टो का, ये वाली शेप थी ये अच्छी लगती है। तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। और ये कार 1,33,000 चली हुई है भाई, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं लगता, इतनी साफ कंडीशन में अभी भी पड़ी है और परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि पेंट तो चलो टाइम के साथ है ना थोड़ा बहुत डल हो जाता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है आज भी इसका इंजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको लेके चलता हूँ इसके बूट की तरफ, आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो चाबी निकालते हैं, तो बूट मैनुअली ही खुलता है भाई, है ना, तो वही पुरानी चीज़ें हमारी है ना। तो चलो मैनुअली आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ। तो बूट स्पेस भी ये लो भाई, ये देखो भाई बूट की में स्पेस जो थी है ना पहले भी, तो एक हैचबैक में इतनी स्पेस मिलना भाई बहुत सही बात है। और उस टाइम की कार में 2007 मॉडल में भाई ये बूट स्पेस भी मिला करता था। इसमें आपको हर चीज़ प्रोवाइड होती थी है ना, अगर आप कार की लुक्स देख लो, कार का इंजन देख लो, कार में स्पेस देख लो, और जो भी रिक्वायरमेंट थी बेसिक रिक्वायरमेंट वो सारी पूरी होती थी बंदे की, और बंदा हंस के ये कार बाय करता था आज भी। तभी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, अगर मार्केट में देखो तो काफ़ी डिमांड है भाई। जो कई लोग सोचते हैं कि हमने आज भी अल्टो है ना बाय करनी है, तो काफ़ी लोग इसको पहले लेना पसंद करते हैं। एक रीज़न और है भाई इस कार को बाय करने का, तो कई बंदे सोचते हैं कि अगर हमने कार है ना ड्राइविंग सीखनी है तो वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रखते हैं कि हम इस कार में अपनी ड्राइविंग सीखें, क्योंकि ये कार में ड्राइविंग सीखने का मज़ा भी एक अलग है। तो ये भी एक रीज़न है भाई इस कार को लेने का लोगों का। अभी आपने देखा इस कार का पूरा रिव्यू मैंने आपको प्रॉपर दिखाया, तो भी होप करता हूँ आपको आपके भी पुराने दिन भी याद आ गए होंगे इस अल्टो को देख के, और ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जस्ट इसको है ना प्रॉपर तरीके से एक रिव्यू दिखाया, मैं चाहता हूँ कि ना आपको भी प्रॉपर पता लगे कि इस कार में क्या क्या होता था और ये दिखने में कैसे थी और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी कार की चाहिए, तो मैं वैसी ही कार की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। आपने मेरी पहली वाली कार की वीडियो को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जैसे कि वरना की मैंने पहले वीडियो डाली थी ब्रेज़ा की डाली थी, अपनी स्कॉर्पियो की डाली थी। तो ऐसे ही भाई मैं और कारों की वीडियो भी लेके आऊँगा आगे, तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आपको अगली कौन सी कार का रिव्यू चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट सेक्शन में पक्का बता के जाना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना।